हजरत मोहम्मद पैगंबर की शान में गुस्सा की करने वाले और त्रिपुरा राज्य में मुस्लिम समाज के प्रार्थना स्थलों, घरों और संपत्ति सहित जानों माल का बड़े पैमाने पर नुकसान करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग देश भर से की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को दिग्रस शहर बंद की घोषणा देते हुए स्थानीय मुस्लिम समाज ने अहले सुन्नत वल जमात की अगुवाई में तहसीलदार दिग्रस को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर समाज के जिम्मेदार रहनुमाओं ने अपने विचार साझा करते हुए त्रिपुरा में सांप्रदायिक ताकतों द्वारा जारी हिंसा की घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज को सुरक्षा और न्याय दिलाने की मांग की है। त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों के साथ ही जुल्म व शत्रुत्व के पहाड़ ढाए गए और साथ ही मसाजिद को तोड़ा गया, शहीद किया गया, कुरान पाक की बेहुर्मती की गई। लेकिन याद रखे, हम मुल्क की सलामती के लिए खामोश है, लेकिन बात आई पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। क्यों? इसलिए कि हम वारिस हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में एग्रीमेंट का मसला आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लिखे, हज़रत अली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा। कुफ्फार ने यह कहा कि आप जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को मिटाएं, इसलिए कि हम हुज़ूर तो मानते ही नहीं, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते हैं। हज़रत अली से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उम हो या अली, ए अली तुम जो है तो मेरा नाम मिटाओ। हज़रत अली ने उस वक्त में कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारी गर्दनें तो कट सकती है लेकिन आपका नाम नहीं मिट सकता। उसकी यही है कि हम हज़रत अली के वारिस हैं, हर चीज़ हम बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हर पहाय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये ना होगा कि नबी का जहव जलाल। हम हिंद से मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों के साथ में जो हालात रूनुमा हुए उस पर कड़ी से कड़ी जो है तो कार्रवाई की जाए, जिन्होंने जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ ढाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला मुल्क की हिफाजत फरमाए और यहाँ पर जो भी हालात हो रहे हैं, कहाँ गुस्ताखी का जो भी मामला हो, कहीं पर भी गुस्ताखी हो, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मोहतरम हज़रात, अभी त्रिपुरा में जो हालात अनाकोटी में और गोमती ज़िले में कराए गए, हमने उन हालात का जायज़ा लिया, हमने वो तमाम चीज़ें इस मुल्क के अमन के लिए बर्दाश्त की और इंशाल्लाह हम बर्दाश्त करेंगे। हम पर हालात आए हम बर्दाश्त करेंगे, हमारे बच्चों को मारा गया हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी दुकानें जलाए हम मुल्क की सलामती के लिए अमन के लिए बर्दाश्त करेंगे, यहाँ तक कि मस्जिदें जलाई गई, कुरान जलाया गया वो भी हमने बर्दाश्त किया। लेकिन अब नबी के शान में जो उन्होंने गुस्ताखी की और ऐसे ऐसे नारेबाजी की, हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम नबी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते लेकिन हम नबी के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि नबी ये तमाम कायनात के है, पूरी इंसानियत के नबी है, पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इसलिए नबी के शान में गुस्ताखी करने वालों को सख्त से सख्त कड़ी सजा दे और ऐसे इस मुल्क को बांटने वाले लोग और जो लोग इस मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सलाख के पीछे होना चाहिए। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के नेता, मस्जिदों के इमाम सहित युवा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, समाज सेवी आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। PCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबेर खान की रिपोर्ट।